राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा रविवार को बीएससी प्रथम वर्ष का परिणाम जारी किया गया। परिणाम में महारानी कॉलेज के होम साइंस विभाग की करीब 70% छात्राएं फेल हो गईं, जिसको लेकर सोमवार को महारानी कॉलेज अध्यक्ष रितु बराला अन्य छात्राओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचकर परीक्षा परिणाम पर आपत्ति जताई। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गलत परिणाम जारी करने का आरोप भी लगाया। महारानी कॉलेज में करीब 90% से अधिक अंक लाने वाली छात्राएं कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कॉपी दोबारा जांच करने की मांग की है। महारानी कॉलेज में मतलब 100% एडमिशन होते हैं, कट ऑफ लिस्ट में सीट आती है, वो बच्चे हाई परसेंटेज के होते हैं। बीएससी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मतलब कम से कम महारानी में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो सीट्स होती है वो 90% पे उनको मिलती है। वो क्वालिफाई करके उस कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनका नंबर आता है। लेकिन अब 90% बच्चे ऐसी कंडीशन हो गई है कि 100% में से मतलब 75% बच्चे फेल हो गए हैं बीएससी डिपार्टमेंट होम साइंस में। जिसमें प्रोफेसर से हमने बात की, वीसी सर से भी हमने बात की, तो वीसी सर ने भी कोई मतलब सही आंसर नहीं दिया। बच्चे भी उस चीज़ से मतलब सर्टिफाइड नहीं है कि हाँ हम लोग इस चीज़ पे कंफर्म है कि सर बोल रिवेल का फॉर्म लगा दो। फिर तो ये तो मतलब पैसे हड़पने वाली नीति हो गई कि हाँ भाई बच्चों से पैसा कमाया जाए कैसे, रिवेल के फॉर्म लगा, इसमें क्या गारंटी कि बच्चे 75% बच्चे पास हो जाएंगे रिवेल में। ऐसे बच्चे हैं जिनका कंपलसरी में रिजल्ट भी मार्कशीट में शो नहीं हो रहा। कल मतलब बच्चों ने मार्कशीट देखी थी अपनी नेट पे, तो बच्चों का प्रैक्टिकल रिजल्ट था वो भी शो हो रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल में अब क्या हुआ कि प्रैक्टिकल मार्क्स जो मार्कशीट में शो हो रहे थे अब वो मार्क्स कैंसिल कर दिए गए हैं। ये फर्स्ट ईयर का है, इसमें है ना 100 में से 5 मार्क्स दिए गए हैं सभी स्टूडेंट को और लगातार फेल किया गया है। जो कोई भी सीरीज से फेल किया है सब बच्चों को, और काफ़ी बच्चे फेल हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और टीचर्स भी कोऑपरेट नहीं कर रही। पूरे नंबर आ रहे हैं यहाँ प्रैक्टिकल में, पूरे पूरे मार्क्स।